Hey guys, welcome to my channel One Stop Ekta। आज मैं आपके साथ ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि बहुत ही इजी है और थोड़ी देर में ही बहुत तैयार हो जाती है। अब चाय के साथ आप उसको एंजॉय करें और बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं और बड़े भी। तो अभी हम चलते हैं अपनी किचन की तरफ और अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। यहाँ पे मैंने दो आलू लिए हैं और इनको मैंने उबाल लिया है। और ये देखिए, अब हम इन्हें मैश करेंगे। और मैंने कटोरी की हेल्प से इन्हें मैश कर रही हूँ। और ये देखिए, हमने इसे इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैंने बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च इसमें ऐड करूँगी और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। मैं हाथ से ही इन्हें मिक्स करूँगी, आप चाहे स्पून भी लें। मुझे पर हाथ से ही इन्हें मटेरियल तैयार करना और मिक्स करना अच्छा लगता है। और हम इसे इसमें टेस्ट के हिसाब से अपना नमक ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इसमें देगी मिर्च मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। ये गरम मसाला, और इसमें आप चाहे तो आमचूर भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ये अजवाइन डाली है टेस्ट के लिए। और इसमें थोड़ा सा मैं मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ फ्लेवर के लिए ये ऐड किया है मैंने। और इसे हम भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने वाइट ब्रेड के पीस लिए हैं और इसमें ब्राउन ब्रेड यूज़ नहीं होती है। तो इसके हम वाइट ब्रेड के जो साइड के जो ये ब्लैक पोर्शन होता है उनको मैं निकाल दूंगी। इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको मैं थोड़ी सी धूप लगवा के मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लूँगी और ये हमारा ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं पानी लूँगी और जो पीस मैंने काटे थे उसको एक साइड से मैं थोड़ा सा गीला कर लूँगी, पानी में डिप कर लूँगी और अच्छे से उसका पानी निकाल दूँगी। इससे ये ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और हमें इनको रोल करना ईजी होगा। ये देखिए, मैंने कर लिया। अब हम इसमें अपना मटेरियल डालेंगे जो हमने रेडी किया था। आप चाहे तो इसमें मटर भी उबाल के डाल सकते हैं मैश करके। तो मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं ऐड किया। तो ये देखिए, अब हम इन्हें इजी से फोल्ड कर सकते हैं ब्रेड को, और शेप दे दी है मैंने इसको। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कैसी भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा लंबा रखा है, आप चाहे तो इसको गोल भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमारी ये कितना सुंदर रोल बन गया है। और मैंने ऑयल गरम कर लिया है। पहले से हम थोड़ा सा इसको मटेरियल डाल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा जो ऑयल है वो गरम है कि नहीं, और इन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये अब इसी तरह से ही मैं अपने बाकी रोल भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए, मैंने पानी में ब्रेड को वो डिप करके इसमें मटेरियल फिल कर रही हूँ मैं। इसी तरह से ही मैं बाकी ब्रेड को भी इसी तरह से ही मैं रोल करके डीप फ्राई कर लूँगी। ये बहुत इजी है और टेस्टी बनते हैं और क्रंची बहुत बनते हैं ये। तो ये देखिए, ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा कलर आया है, इन्हें मैंने चेंज कर दिया है। तो ये बिल्कुल क्रंची बनते हैं और सॉस के साथ ही इसे खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कुछ लोग चाय के साथ भी इसको खा लेते हैं पर सॉस के साथ इसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे हमारे ब्रेड रोल रेडी हो चुके तो हैं और हमारी सॉस के रेसिपी साथ अच्छी हम लगी इसके हो तो एंजॉय आप करेंगे। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स पे आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।